माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप अपने कंप्यूटर में कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेट से डाउनलोड करना, तो इंटरनेट से डाउनलोड करना भी हम बताएंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरनेट से कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। या फिर आप चाहे तो किसी भी कंप्यूटर की शॉप पे जा करके वहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले सकते हैं, उसका सेटअप आपने पेन ड्राइव या सीडी में ले सकते हैं। उसका चार्ज आपको लगभग 50 से 60 रुपये के आसपास देना होगा। या फिर अगर आप इंटरनेट से लोड करना चाहते हैं तो इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इंटरनेट से कैसे डाउनलोड करना है, लिंक क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, इंटरनेट ब्राउज़र। यहाँ पर मैं क्रोम इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके बाद जिस वेबसाइट से आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सीधे उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। फिलहाल मैं यहां पर वो लिंक जो है कॉपी किए ले रहा हूँ, यही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसे मैंने यहां से कॉपी किया और क्रोम में जाके इसे पेस्ट कर दिया ब्राउज़र में। तो आप सीधे उसी वेबसाइट पर चले जाएँगे, यहाँ पर गेट इंटू पी सी। हम यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे और नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड। तो आपको यहाँ पर सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ये आपको एक नए पेज पे रीडायरेक्ट करेगा और यहाँ पर कुछ सेकंड बाद आपकी जो डाउनलोडिंग है वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, आपको कहीं और कुछ नहीं करना है। ये आपकी डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो रही है। ये देखिए यहाँ पर डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर शो होने लगी है। इसे बता रहे हैं 1 आवर्स। तो 1 आवर्स ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। वैसे ये जो फाइल है इसका साइज 563 MB है, तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो इसमें 10 से 15 मिनट या फिर 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। फिर ये यहाँ पर जो हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी काफ़ी स्पीड स्लो है। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं इसे नहीं डाउनलोड करूँगा, इसे कैंसिल किए दे रहा हूँ। आप इसे पूरा कंप्लीट डाउनलोड हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद इसे कैसे इंस्टॉल करना है ये भी हम देखते हैं। जो हमने डाउनलोड किया है वो डाउनलोड फोल्डर में चला गया है। अपना डाउनलोड फोल्डर ओपन कीजिए और ये हमारी रही फाइल यानी सेटअप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अब इसे ये जो है ये रार फाइल में है, विनरार। तो आप इसे यहीं पर राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लीजिए, मतलब यहीं पर इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। इसमें भी आपका टाइम लगेगा 30 से 40 सेकंड के आसपास। और ये हमारी जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो गई है, ये देखिए फोल्डर आ गया। इसे आप ओपन कीजिए, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये 7 है और ये आपका रहा सेटअप। आप सिंपली सेटअप पर डबल क्लिक कीजिए और डबल क्लिक करने के बाद इसे आप यस कर दीजिए। तो जब आप यस करेंगे सेटअप खुल करके आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका प्रोडक्ट की डालनी है इसमें। तो प्रोडक्ट की डालने के लिए जब जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था डाउनलोड फोल्डर में, तो इसी में आपके पास यहाँ पर एक रेडमी फोल्डर में यानी टेक्स्ट फाइल में ये आपकी की जो थी मिल गई थी। आप इसके कॉपी करके और फिर यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। या फिर अगर आपको आपकी वो की काम नहीं कर रही है जो आपको साथ में मिली है, तो मैं 2 कीज़ जो है ये वाली 2 की ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इनमें से कोई एक कॉपी कीजिए एक एक करके, तो जो भी आपकी की फिलहाल एक्सेप्ट कर लेगी उसकी पे आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पर जब आप की डालेंगे तो इसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर एक इस तरह का आपका चेक साइन आ जाएगा, इसका मतलब ये की एक्सेप्ट कर ली इसने। और फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके आगे और आएंगे, जिसमें इंस्टॉल नाउ या कस्टमाइज। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ करना है और फिर उसके बाद इस तरह से ये आपकी पूरी प्रोसेसिंग चलेगी कंप्लीट। और जब आपकी पूरी कंप्लीट प्रोसेसिंग हो जाएगी तो यहाँ पर आपके सामने एक बॉक्स आएगा जिसमें आपको यहाँ पर गोटो ऑफलाइन ऑनलाइन या फिर आप इसे क्लोज कर सकते हैं, गोटो ऑफिस ऑनलाइन या फिर आप इसे क्लोज। तो फिलहाल हम क्लोज करेंगे।